अगर आप राइटिंग करके वेबसाइट्स पर आर्टिकल लिखकर पैसे कमाना चाहते हैं सिर्फ 600 सौ ऐसी आठ सौ लवकर सौ डॉलर तक कमाना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो की तरफ अस्सलाम वालेकुम माई यूट्यूब से होंगे आज मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाली हूँ जहाँ पर आपको राइटिंग का, का काम करके देना होगा आर्टिकल लिख लिख कर देने होंगे आर्टिकल भी आपको डेली लाइफ के रिलेटेड टॉपिक्स पर लिख कर देने होंगे और राइटिंग करने के लिए आपको दस डॉलर ऐसी सौ डॉलर तक पेमेंट दी जाएगी और यहाँ पर आर्टिकल लिखने के लिए आपको

क्योंकि आप लोग वीडियो को स्किप कर, कर के देखते हैं तो फिर ये सारी चीजें आप लोग मिस कर जाते हैं जिसकी वजह से बाद में आप लोग को रिस्पॉन्स नहीं आता फिर आपको परेशानी होती है तो चलिए चलते हैं वीडियो वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो पसंद आए तो अपनी बहन को सपोर्ट जरूर कीजिएगा लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा अगर मेरे चैनल पर बनाए तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही बेल आइकन के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि हम साथ मिलकर अर्न कर सके सबसे पहले आप गूगल पर आ जाएंगे और यहाँ पर आकर आपने टाइप करना है हर व्यू फ्रॉम होम ये आप टाइप करेंगे तो ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी वेबसाइट का नाम है हर व्यू फ्रॉम होम ये एक ऐसी वेबसाइट है जो कि डिफरेंट कैटेगरी से रिलेटेड आर्टिकल्स अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दी है वेबसाइट के अलावा आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका फेसबुक पर भी पेज है जिस पर वन मिलियन फॉलोवर्स है इसके अलावा ये इंस्टाग्राम पर भी वर्क कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर भी इनका अपना अकाउंट है फिर ये प्रिंट्रेस पर भी काम कर रहे हैं यूट्यूब पर भी काम कर करे ये लिंकड इन पर भी काम कर रहे हैं इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर इन्होंने अपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं और अपने अकाउंट से यहाँ से रन कर रहे हैं हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इनका एक अकाउंट मौजूद है सबसे पहले आपने ये वाली वेबसाइट ओपन कर लेनी है स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे की साइड पर आते जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट आर्टिकल लिखे हुए हैं ये सारे आर्टिकल्स हैं आप कंटिन्यू रीडिंग पर क्लिक करेंगे तो पूरा आर्टिकल आपके सामने आ जाएगा एक आर्टिकल मैं आपके सामने ओपन करके भी दिखा देती हूँ कंटिन्यू रीडिंग पर क्लिक किया ये आर्टिकल हमारे सामने ओपन हो जाएगा आप ये आर्टिकल्स रीड करके आइडिया भी कर सकते हैं कि किस टाइप के आर्टिकल्स यहाँ पर ज्यादा डिमांडिंग है किस टाइप के आर्टिकल्स यहाँ पर सबमिट किए जाते हैं एक्सेप्ट किए जाते हैं इससे आपको अपने आर्टिकल्स रेडी करने में बहुत ज्यादा फायदा होगा और भी बहुत सारे आर्टिकल्स यहाँ पर मौजूद हैं आप ये आर्टिकल जरूर रीड कीजिएगा इससे आपको आइडिया होगा कि किस टाइप के आर्टिकल्स यहाँ पर ट्रेंडिंग है मदरहुड से रिलेटेड ज्यादातर आर्टिकल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं लिविंग से रिलेटेड यहाँ पर आर्टिकल्स हैं फिर ये लाइफ लॉस से रिलेटेड एक आर्टिकल है इस तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स यहाँ पर ट्रेंडिंग है जिस पर लोग ज्यादा क्लिक करते हैं और पढ़ना पसंद करते हैं अब मैं इस वेबसाइट का ये लिंक कॉपी कर लेती हूँ लिंक कॉपी करने के बाद हम चलते हैं स्कैम एडवाइजर की तरफ और स्कैम एडवाइजर में चल के मैं आपको इसका ट्रस्ट स्कोर भी बताती हूँ यहाँ पर मैं ये लिंक पेस्ट कर देती हूँ इसको सर्च कर लेती हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वेबसाइट की ट्रस्ट रेटिंग हाई है स्कैम एडवाइजर हमें इसे कैलकुलेट करके बता रहा है की इसका ट्रस्ट स्कोर हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड है ये बिल्कुल लेजिट वेबसाइट है आप यहाँ पर काम करके अपनी अर्निंग कर सकते हैं वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी आपने देख ली अब आपने काम किस तरह से करना है वो सीख लीजिए अब हम वापस आ जाते हैं गूगल की तरफ और यहाँ पर आपने ओपन करना है चैट जीपीटी चैट जीपीटी की वेबसाइट आपने ओपन कर लेनी है अगर आप चैट जीपीटी फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड देकर इसे साइनअप कर लेंगे साइनअप के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर आपने अपना टॉपिक टाइप करना है यहाँ पर मैंने एक सैम्पल के तौर पर टॉपिक टाइप किया है राइट एन आर्टिकल अबाउट मदर एंड डॉटर्स बॉन्डिंग जरूरी नहीं है कि आप सब भी यही टॉपिक टाइप कर लें बल्कि आपने अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से एक अच्छा सा टॉपिक यहाँ से चूज करना है और फिर उस पर आपने आर्टिकल रेडी करना है आर्टिकल रेडी करने के लिए आप इस जनरेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे इस एरो पर क्लिक कर देंगे अब यह आपको पूरा आर्टिकल अच्छा सा रेडी करके दे देगा जिसके अंदर तमाम तरह डिटेल पूरे इमोशंस के साथ सब कुछ ब्रीफली डिफाइन किया हुआ होगा टाइटल इसने हमें दिया है द अनब्रेकेबल बॉन्ड एक्सप्लोरिंग द मदर डॉटर कनेक्शन बहुत अच्छा सा इसने हमें टाइटल दे दिया इंट्रोडक्शन आ गई उसके बाद फिर सिग्निफिकेंस ऑफ मदर डॉटर बॉन्ड ये सारी चीजें आ गई अब आप नीचे की साइड पर आ जाएंगे और इस पूरे आर्टिकल को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है ये कॉपी का ऑप्शन आपके सामने आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे पूरा आर्टिकल आपका कॉपी हो जाएगा कॉपी करने के बाद आप वापस आएंगे गूगल की तरफ और यहाँ पर आपने सर्च करना है स्मॉल एस टूल ये वेबसाइट आप ओपन करेंगे यहाँ पर आपको प्लेजरिज्म चेकर का ऑप्शन मिलता है आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपने अपने पूरे आर्टिकल का प्लेजरिज्म चेक करना है कि इसके अंदर कोई प्लेजरिज्म तो नहीं आ रहा कि कोई ए आई डिटेक्शन तो नहीं हो रही ये सारी चीजें आपने यहाँ से चेक कर लेनी है यहाँ पर आपने पूरा टेक्स अपना पेस्ट करना है जो अभी कॉपी किया था उसके बाद आप नीचे आएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ये टोटल वर्ड्स भी बता रहा है कि इस आर्टिकल के अंदर फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट वर्ड्स मौजूद हैं ठीक है उसके बाद नीचे की साइड आ जाएंगे आई एम नॉट अ रोबोट पर आप क्लिक करेंगे और चेक प्लेजरिज्म पर आप क्लिक कर देंगे अभी हमारे आर्टिकल को चेक करके बताएगा कि इसके अंदर कोई प्लेजरिज्म है या नहीं और अगर प्लेजरिज्म है तो उन लाइंस को भी हाईलाइट करके देगा रिजल्ट हमारे पास आ चुका है हमारे आर्टिकल के अंदर जीरो परसेंट प्लेजरिज्म है और हमारा आर्टिकल हंड्रेड परसेंट यूनिक है इसके अंदर कोई प्लेजरिज्म नहीं है आप इसको एज इट इज यूज कर सकते हैं इसके अंदर कोई कॉपीराइट कोई प्लेजरिज्म नहीं आएगा इसी तरीके से आपने भी अपने आर्टिकल को रेडी करने के बाद उसका प्लेजरिज्म लाजमी चेक करना है क्योंकि प्लेजराइज आर्टिकल आपका एक्सेप्ट नहीं होगा और फिर जिन लाइन के ऊपर प्लेजरिज्म आए आप उन लाइन को रिमूव कर दीजिएगा तो प्लेजरिज्म भी रिमूव हो जाएगा अब हम वापस चलते हैं वेबसाइट की तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेन वेबसाइट है उसके नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहा है राइट फॉर हर आपने इस पर क्लिक करना है तो इनका जॉब पोर्टल आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर आपने अपना आर्टिकल सबमिट करना है हर व्यू फ्रॉम होम वेलकम न्यू राइटर्स एक हजार से जायदे कंट्रीब्यूटर्स इनकी वेबसाइट पर काम कर रहे हैं जो कि फैमिली पेरेंटिंग किड्स रिलेशनशिप फेथ और ग्रीफ से रिलेटेड आर्टिकल लिखकर इनको देते हैं और ये अपनी वेबसाइट्स पर अपने दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उसको पब्लिश करते हैं वी पे फॉर ओरिजिनल

आपके आर्टिकल के वर्ड 600 से 800 के दरमियान होने चाहिए आपको पेमेंट किस तरह से मिलेगी और कितनी मिलेगी ये चीजें मैं आपको आगे चल के बताती हूँ अभी यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है क्लिक हेर टू सबमिट आपने इस पर क्लिक करना है आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा अगर आप मोबाइल से काम कर रहे हैं तो आपने यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट को इनेबल कर लेना है जैसे कि मैंने किया हुआ है तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा क्योंकि अगर आप मोबाइल व्यू से करेंगे तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा इसलिए आपने डेस्कटॉप साइट इनेबल कर लेना है और आप

अब वापस आ जाएंगे हम अपने जॉब बोर्ड पर और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है ठीक है यहाँ पर आपका टाइटल आ गया उसके बाद नीचे है आर्टिकल टेक्स का ऑप्शन यहाँ पर आपने अपनी डिटेल्स देनी है नेम में आपने अपना नेम टाइप कर देना है उसके बाद ई का ऑप्शन है ई में आप अपनी ई टाइप कर देंगे मैं थोड़ा सा आपको लिख कर दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए यहाँ पर आपने अपना पूरा नेम टाइप कर दिया फिर उसके बाद ई का ऑप्शन है ई में आपने अपनी ई मेल टाइप कर दी जो भी आपकी ई मेल है वो आप पूरी यहाँ पर टाइप कर देंगे फिर उसके बाद है हैव यू फॉर बिफोर वाई और एन दोनों ऑप्शन है आपने एन टाइप कर देना है ठीक है हैज दिस पीस बीन पब्लिश क्या ये पहले कहीं पर पब्लिश हो चुका है नहीं हुआ आपका बिल्कुल यूनिक है तो आपने वाई टाइप कर देना है यहाँ पर इफ यस लिंक टू ओरिजिनल पब्लिकेशन लेकिन हमारा तो न्यू है इसलिए हमें इसको छोड़ देना है उसके बाद नीचे लिखा है इफ यू have not been published on hvfh provide a short author bio and any link any related social media account यहाँ पर आपने अपने एक शॉर्ट सा बायो दे देना है लिख देना है यहाँ पर आपने अपने बारे में यहाँ पर मैंने तीन चार लाइनें लिख दी हैं आप चाहें तो चैट जीपीटी को यूज करके भी अपना एक शॉर्ट सा बायो लिखवा सकते हैं वो बायो आपने यहाँ पर लिख देना है उसके बाद फुल स्टॉप लगा के आगे अपने अपने, अपने सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक दे देना है सोशल मीडिया अकाउंट का मतलब है कि आप अपने फेसबुक का लिंक दे सकते हैं फेसबुक हर एक के पास होती है फेसबुक का लिंक दे दीजिए इंस्टाग्राम का लिंक दे दीजिए या फिर टिकटॉक का लिंक दे दीजिए लेकिन ज्यादा बेहतर है कि आप फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम में से कोई एक लिंक यहाँ पर कर दीजिए उसके बाद नीचे लिखा है योर ग्रेविटार ईमेल एड्रेस वो आपके पास नहीं है उसको छोड़ दीजिए नीचे की तरफ आ जाएंगे टाइप सबमिशन ब्लो डू नॉट अटैच एज अ फाइल और लिंक यहाँ पर आपने अपना पूरा आर्टिकल पेस्ट करना है लिंक नहीं देना है ना ही कोई फाइल अटैच करनी है वापस आते हैं हम चार जीबीटी की तरफ और यहाँ पर दोबारा से इसको कॉपी कर लेते हैं और जॉब बोर्ड पर आकर यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है ओके पर क्लिक किया ये यह पूरा यहाँ पर आ गया अब पूरा आर्टिकल हमारा यहाँ पर आ चुका है इंट्रोडक्शन की हेडिंग को आप अगर चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं ये ऊपर बोल्ड का ऑप्शन आया मैंने बोल्ड पर क्लिक किया तो ये बोल्ड हो गया इस तरह से आपने अपने आर्टिकल को थोड़ा सा एनहांस भी कर देना है टाइटल की हेडिंग को आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए अनब्रेकेबल बॉन्ड के बाद एक्सप्लोरिंग द मदर डॉटर कनेक्शन मैं नीचे ले आई आपने अपनी मेन हेडिंग को भी बोल्ड कर देना है फिर नीचे आपके पास ये वाली हेडिंग है जितनी भी हेडिंग है नीचे सारी हेडिंग्स को आपने बोल्ड कर देना है आप इसको सिलेक्ट करेंगे ऊपर आपके पास ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सारे बोल्ड और इटैलिक सारे ऑप्शन आ रहे हैं इन ऑप्शन को यूज करते हुए आपने अपनी हेडिंग्स को बोल्ड कर देना है पूरा आर्टिकल आपका रेडी हो गया अब आप इसके अंदर कोई इमेज भी ऐड कर सकते हैं ताकि ये और ज़्यादा इंप्रेसिव और ज़्यादा प्रजेंटेबल बन जाए इमेज ऐड करने के लिए आप आ जाएंगे गूगल पर यहाँ पर आपने टाइप करना है पैगजिल्स या फिर कोई और आप स्टॉक फ्री वेबसाइट भी सर्च कर सकते हैं ये एक ऐसी वेबसाइट है जो कि आपको फ्री में स्टॉक फ्री इमेज प्रोवाइड करती है जिसमें कोई भी कॉपी नहीं आता यहाँ पर आप अपना टॉपिक सर्च करेंगे जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको इमेजेस चाहिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मदर डॉटर बॉन्ड और मैं इसको सर्च कर लेती हूँ अब इसने मदर एंड डॉटर से रिलेटेड काफी सारी इमेजेस दे दी हैं आप यहाँ से कोई भी अच्छी सी इमेज सिलेक्ट कर लेंगे जो इमेज आपको डाउनलोड करनी है उस पर आप इस तरह से लॉन्ग टैप करके रखेंगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड इमेज आप इस पर क्लिक करेंगे फिर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे ये इमेज आपकी डिवाइस के अंदर डाउनलोड हो जाएगी अब इसको यहाँ पर ऐड करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन आ रहा है ड्रैग फाइल्स हेयर क्लिक टू अपलोड आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी सारे डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाएंगे आपने अपनी इमेज वाली फाइल यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी जिस तरह से मेरी ऐड हो चुकी है इसके बाद आप आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करेंगे फिर उसके बाद आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका आर्टिकल इस वेबसाइट पर सबमिट हो जाएगा इस तरह की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी की योर पेज वॉज सबमिटेड आर्टिकल सेंड करने के बाद ये आपके आर्टिकल को रिव्यू करेंगे दो हफ्ते के अंदर आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा अगर आपका आर्टिकल एक्सेप्ट होना होगा तो आर्टिकल एक्सेप्टेंस की आ जाएगी उसके बाद आपको पेमेंट्स किस तरह से मिलेंगी किस तरह से आपकी अर्निंग होगी वो आप देख लीजिए अगर आपका आर्टिकल ओरिजिनल है तो आपको ढाई से 500 व्यूज के 5 डॉलर मिलेंगे यानी इनकी वेबसाइट पर आपका आर्टिकल पब्लिश होगा उस पर जितने व्यूज आएंगे उस हिसाब से आपकी अर्निंग होती जाएगी अगर 250 से 500 के दरमियान व्यूज आएंगे तो 5 डॉलर आपकी अर्निंग होगी पाँच सौ से साढ़े सात सौ के दरमियान व्यूज आएंगे तो साढ़े सात डॉलर आपकी अर्निंग होगी साढ़े सात सौ से हजार के व्यूज आएंगे तो दस डॉलर आपकी अर्निंग होगी फिर अगर हजार से दो हजार तक व्यूज आएंगे तो पंद्रह डॉलर होगी दो हजार से चार हजार तक व्यूज आएंगे तो तीस डॉलर होगी और जिस तरह से आपने व्यू किया है इस तरह से बहुत से लोग व्यू करते हैं आर्टिकल्स पढ़ते हैं इंटरेस्ट लेते हैं बशर्त ये आपका आर्टिकल इंटरेस्टेड होना चाहिए यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाना चाहिए फिर उसके बाद व्यूज आना तो बहुत आम सी बात है आपने यहाँ पर सिर्फ एक आर्टिकल नहीं लिखा है आपने यहाँ पर काफी ज्यादा आर्टिकल सबमिट करने हैं अब आप सोच रहे होंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका आर्टिकल यहाँ पर सबमिट हो गया है और उस पर कितने व्यूज आ रहे हैं तो जब आपका आर्टिकल यहाँ पर सबमिट होगा उसके बाद ये आपको एक पर्सनलाइज डैशबोर्ड देंगे आपकी प्रोफाइल बनेगी इनकी वेबसाइट पर आर्टिकल पब्लिश होने के बाद जितने भी आपके आर्टिकल के ऊपर व्यूज आएंगे हर आर्टिकल के व्यूज आपको आपके पर्सनलाइज डैशबोर्ड के ऊपर शो हो रहे होंगे तीस दिन के अंदर कितने व्यूज आए ये सारी चीजें आपके अपने डैश के ऊपर आपको शो हो रही होंगी उसके थ्रू आपको पता चलेगा की आपके आर्टिकल के ऊपर कितना ट्रैफिक आया हैं कितने व्यूज आए हैं उसके बाद वो मंथ कम्प्लीट होने के बाद आपने इनको एक इन्वाइस सेंड करनी है जिसके अंदर आप अपना नाम लिखेंगे अपना आर्टिकल का टाइटल लिखेंगे और अपना पेपाल ई एड्रेस लिखेंगे जितनी पेमेंट आपकी बनती है आप वो उसमें लिखेंगे जितने पेजेस व्यू हुए हैं जितने भी व्यूज आए हैं उसका एक स्क्रीन लेके वो भी अटैच करके आप इनको सेंड करेंगे ये पूरी इन्वॉइस आप एम एस वर्ड पर बना सकते हैं सबसे ऊपर आप अपना नेम लिखेंगे अपने आर्टिकल का टाइटल लिखेंगे ये पूरी इन्वाइस आपने एम एस वर्ड पर तैयार करके इनको सेंड करनी है ईमेल के थ्रू अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई पेपाल का सबसे बड़ा मसला है कि पेपाल तो पाकिस्तान में है नहीं जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं इंडिया वगैरह से काम कर रहे हैं वो तो बहुत इजीली अपना पेपाल अकाउंट बनाकर उसमें सारी अर्निंग ले सकते हैं क्योंकि पेपाल बाहर मुल्कों में बहुत इजीली एक्सेसिबल है पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी पेपाल के लिए कोशिश कर रही है और अनकरीब पाकिस्तान में भी पेपाल अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा इन फिलहाल पाकिस्तानी अपने बाहर मुल्क में रहने वालों के पेपाल अकाउंट यूज करके उसमें अपनी पेमेंट विद्रॉ कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपके पास पेपाल भी नहीं है आर्टिकल so, अप्रूव होने के बाद आप कंपनी को एक मेल करेंगे कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एंड करंटली पे इज नॉट अवेलेबल इन माई कंट्री सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज प्रोसीड माई पेमेंट वाया बैंक ट्रांसफर इस तरह के आप उनको एक मेल करेंगे उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मेरी पेमेंट बैंक ट्रांसफर के अंदर प्रोसीड कर दीजिए क्योंकि मेरे मुल्क के अंदर पेपाल अभी अवेलेबल नहीं है बहुत ही सिंपल सा मेथड है कॉपी पेस्ट काम करके आपने आर्टिकल रेडी करने हैं। वेबसाइट पर दिए गए आर्टिकल्स को रीड करेंगे तो इससे आपको आइडिया होगा की कि किस पैटर्न पर यहाँ पर आर्टिकल्स लिखे जाते हैं फिर आपको अपना टाइटल चूज करने में भी बहुत आसानी होगी जितना इंप्रेसिव आपका आर्टिकल होगा उतने ही ज्यादा उसकी एक्सेप्टेंस के चांसेस होंगे इसलिए आपने बहुत ही अच्छा सा आर्टिकल रेडी करके यहाँ पर सबमिट करना है आप एक से ज्यादा आर्टिकल्स भी यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया एंडिंग मेथड के साथ टिल टिलो यर सेल्फ अल्लाह हाफिज